and parents of you all are doing very well at home. So in this video you have to do the literary work, okay? So on book 7 page number 26, you will take page number 26 and the topic name is vowels 3. तो मैंने पहले इसके प्रीवियस आपको जो वीडियो आपने देखा था दैट वाज ऑन द टॉपिक वॉवल्स. ओके, सो वॉवल्स कितने होते हैं? हमारा जो टोटल अल्फाबेट्स ए बी सी डी से लेके जेड तक 26 लेटर्स है. ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, हाउ मेनी अल्फाबेट लेटर्स आर देयर, देयर आर 26 अल्फाबेट लेटर्स. आउट ऑफ दिस 26 5 वॉवल्स होता है और बाकी का जो 21 लेटर्स है उसको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. सो वॉवल्स 5 होता है. तो कौन से है वॉवल्स? यस, मैं ना ये इधर साइड में लिखती हूँ, दैट इज ए ई आई ओ यू. ओके, ए ई आई ओ यू, दीज आर वॉवल्स. मैंने ये वीडियो पहले जो भेजा हुआ वीडियो में आपको बोला था कि वॉवल्स कौन सा है और कॉन्सोनेंट्स कौन सा है, राइट? यस, और आपने उसमें और दो एक्टिविटीज भी जो आपके बुक में थे वो आपने किया भी था, राइट? यस, सो दिस इज लाइक नेक्स्ट एक्टिविटी दैट इज वॉवल 3. सो इसमें आपको क्या करना है पता है? आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड अंडरलाइन द वॉवल्स इन द वर्ड्स. ओके, आपको है ना आपके बुक्स में बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, इमेजेस भी दिया है. इमेज को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो इमेज क्या है और उसके बाद उसके बाजू में वो इमेज का जो 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 भी है उसका वर्ड दिया है, लेटर लिख के रखा है, उसमें से आपको वो वर्ड से आपको जो वॉवल्स है उसको आपको ढूंढ के आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है उसके नीचे एक छोटा सा अंडरलाइन करना है. ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल बो, आपके बुक में जो फर्स्ट लेटर है दैट इज बो, बी ओ डब्ल्यू, बी ओ डब्ल्यू, बो बो. और उसमें ऑलरेडी अंडरलाइन करके आपको दिखाया है कि उसमें वॉवल कौन सा है, तो ए ई आई ओ यू इतना वॉवल्स है, तो इसमें से कोई एक लेटर इधर है बी ओ डब्ल्यू बो, कौन सा है? यस, ओ है ना, बिकॉज ओ इज अ वॉवल. ओके, सो वॉवल जो है उसके नीचे अंडरलाइन करके दिया है ताकि आपको समझ में आए. ओके, और मैं एक दूसरी बात बोलूं कि देखो वॉवल्स जो है ये 5 जो लेटर्स है ना इसके बिना मैक्सिमम कोई भी वर्ड ऐसे नहीं होता है जिसमें ये लेटर्स नहीं होता ऐसे. ओके, अब अभी आप देखो आपका नाम ले लो या मेरा नाम, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ माय नेम इज शालिनी, आपको पता है कि मेरा नाम क्या है, शालिनी. ओके, तो मैं मेरी नाम है कहा लिखू, इधर लिखू. ओके, एस ए एल आई एन आई. ओके, अभी मेरे जो अल्फाबेट मेरा जो लेटर मेरा जो नाम है उसमें भी वॉवल्स है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, इसमें ए है, ई आई ओ यू नहीं आई है ना, आई है, ए है, राइट? सो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता है जिसमें वॉवल्स हम यूज नहीं करें, सब भी मेजॉरिटी सब भी वर्ड्स में जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं उसमें आते हैं वॉवल्स. वॉवल्स के बिना एक लेटर फॉर्मेशन या वर्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट? सो बी ओ डब्ल्यू में ओ वॉवल है, राइट? तो ओ आपको अंडरलाइन करके दिया है. सो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, दैट इज व्हाट इज दिस, अ काइल, पतंग है ना, काइल. सो के आई टी ई, काइल. सो इसमें कौन से लेटर्स वॉवल्स में आते हैं? के आई टी ई, हमारा वॉवल्स कौन सा है? ए ई आई ओ यू. सो ए नहीं है, ओके, ई है क्या? यस, देयर इज एन ई, यस. सो यू विल डू एन अंडरलाइन. ओके, उसके बाद आई है, यस, के में ओके, आई टी ई, राइट? यस, ओ है ना, यू इज देयर, नो. सो ऑलरेडी वी हैव टू वॉवल्स इन द वर्ड काइट, दैट इज के आई टी ई, आई एंड ई है ना, ये दो जो वॉवल्स है वो उसमें है, के आई टी ई में आई भी है ई भी है, एंड वी डन द अंडरलाइनिंग आल्सो, राइट? सो इन दिस वे यू हैव टू डू द अदर वंस आल्सो. वी गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज व्हाट इज दिस, अ मून, चंदा है ना, चांद, मून, एम ओ ओ एन, मून. सो इन दिस वर्ड व्हिच इज द वॉवल लेटर, व्हिच इज द लेटर, व्हिच इज द वॉवल,
ओके अम्ब्रेला. सो व्हाट इज द स्पेलिंग? यू एम बी आर ई एल एल ए. यू एम बी आर ई एल एल ए. सो व्हाट हियर आपको ये बताना है कि इसमें कितने कितने वॉवल्स आ रहे हैं, कौन से लेटर्स है. ए ई आई ओ यू में से कौन से वॉवल्स आ रहे हैं इसमें? यस यू आर है, देन एम नहीं, बी नहीं, आर नहीं, ई है. यस ई इज ऑल्सो देयर. एंड आफ्टर दैट एल है. नो अगेन एल. नो देन ए. यस आवर फर्स्ट वॉवल इटसेल्फ इज ए. सो वी गेव अ स्मॉल अंडरलाइन. सो इन दिस वे we found out that which are the vowels in the word umbrella, that is U, E, A. So these three vowels are coming in the word umbrella. So in this way, you have to find out the vowels from the remaining words which is given in your page, and you will also identify the vowels, and you will also make give an underlining. You will also do an underlining on that respective vowel. Okay. So I hope you understood the topic. So how many vowels are there? There are 5 vowels out of 26 letters, alphabet letters, and the remaining 21 are consonants. And which are the vowels, vowel letters? A, E, I, O, U. Understood? Yes. So now I hope you understood the topic and you will also complete this activity. और जब भी करेंगे ना अच्छे से करना, ध्यान से करना. आप ध्यान से देखना कि वो वर्ड में वॉवल्स आ रहे कि नहीं. ओके okay? उसके बाद उसको अच्छे से अंडरलाइन करना, बट डू द वर्क विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके गलत मत करना, पेरेंट्स के साथ बैठ के करना. ओके यस. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क व्हाट यू विल डू? क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू. ओके यस. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, दैट इज वॉवल्स 3 एक्टिविटी. ओके यस. सो थैंक यू सो मच माय डियर एग्जाम पेरेंट्स. स्टे सेफ एवरीवन.